हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज आपके लिए लेकर आए क्लास ट्वेल्थ की सोशियोलॉजी की बुक इंडियन सोसाइटी का चैप्टर नंबर सिक्स द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इससे पहले मैं इन चैप्टर्स की वीडियो दे चुका हूं अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन्हें देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल की प्ले को विजिट कर सकते हैं और इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपका किसी तरह का कोई Uh, और भी ऐसी सब्जेक्ट है लाइक like इंग्लिश या फिर ह्यूमैनिटीज uh, के सब्जेक्ट्स हैं वो भी लिंक्स आपको अवेलेबल होंगे तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है इन कॉम्युनिटीज लैंग्वेज रिलीजन सेक्ट रेस और कास्ट आर नोन एज अगर हम कॉम्युनिटीज uh, की बात करें तो लैंग्वेज रिलीजन सेक्ट रेस और कास्ट जो है इनको किस नाम से जाना जाता है या किस तरीके से जाना जाता है स्टेटस सिंबल के तौर पर सोशल सिंबल के तौर पर या कल्चरल मार्कर्स हैं या फिर ये रिलीजियस मार्कर्स हैं तो यहां पर राइट right आंसर क्या होना चाहिए तो यहां जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन यस कोर्स ऑप्शन सी हम कहेंगे जो लैंग्वेज रिलीजन सेक्ट रेस और कास्ट जो हैं दे आर नोन एज कल्चरल मार्कर्स तो ऑप्शन सी यहां पर राइट right आंसर है आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू के लिए कॉम्युनिटी आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन जो कम्युनिटी आइडेंटिटी है वो किस पर बेस करती है तो ऑप्शन आपके सामने है बर्थ एंड बिलोंगिंग बर्थ एंड सोशल स्टेटस एक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस या फिर एक्वायर्ड एक्म्पलिशमेंट तो यहाँ पर राइट right आंसर क्या आना चाहिए तो हम कहेंगे जो कम्युनिटी आइडेंटिटी है वो अगर किसी चीज पर बेस करेगी तो वो आपका जन्म है आपकी बिलोंगिंग्स हैं तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट right आंसर है, है आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए वेन नो वन हैज एनी चॉइस अबाउट विच फैमिली और कम्युनिटी और कंट्री दे आर बॉर्न इन टू जब किसी के पास ऐसी कोई चॉइस नहीं है कि वो किस परिवार में किस कम्युनिटी में किस देश में पैदा हुई हैं सो दीज काइंड ऑफ आइडेंटिटीज आर कॉल्ड इस तरह की आइडेंटिटीज को किस नाम से जाना जाता है या फिर ये कहें ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्टिविटीज विच आर डिट बाय द एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी चॉइस ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न आर नोन एज इनको फिर किस नाम से जाना जाता है तो ऑप्शन आपके सामने है डिस्क्रिप्टिव एस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव या लास्ट ऑप्शन आपके सामने है जेनविन अब आप देखिए जब किसी के पास कोई चॉइस नहीं है कि किस फैमिली कम्युनिटी कंट्री में वो पैदा हुए हैं उनके पास अपनी कोई चॉइस नहीं है बट वो सब एक हम कह सकते हैं यहां पर दिया कि एक्सीडेंट ऑफ बर्थ होता है तो यहां पर इसे कहा जाएगा ऐसी इस तरह की आइडेंटिटी को जो नाम दिया जाएगा वो क्या होगी तो वो राइट आंसर यहाँ पर है एसक्रिप्टिव आइडेंटिटी तो ऑप्शन बी यहां पर राइट right आंसर है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के लिए अ स्टेट इज़ बॉडी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स अ मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर टेरिटरी ये किसने कहा था कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी एक्चुअल में हम ये हमें ये कहना चाहिए तो यहां पर हम कह सकते हैं अगर चार ऑप्शन देखिए मार्क्स की स्टेटमेंट हो सकती है या फिर एम एन श्रीनिवास की हो सकती है मैक्स वेबर की हो सकती है या फिर सत्याजीत रे की भी हो सकती है तो राइट आंसर क्या होगा तो यहां पर हम कहेंगे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ये स्टेटमेंट है मैक्स वेबर की ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए द क्राइटेरियन दैट कम्स क्लोजेस्ट टू तो डिस्टिंग्विशिंग ए नेशन इज द ऐसा क्राइटेरिया बताइए जो बिल्कुल क्लोजेस्ट आ जाता है डिस्टिंग्विशिंग ए नेशन एक नेशन को डिस्टिंग्विश करने वाला वो क्या हो सकता है नेशनल आइडेंटिटी स्टेट सोशल आइडेंटिटी या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो यहां पर जो राइट right आंसर है वो क्या है जो क्राइटेरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं जो किसी भी नेशन को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश बनाता है उसको अलग बनाता है वो है स्टेट ऑप्शन बी यहाँ पर राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर आज की बात करें द नेशन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड और प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर ए स्टेट नेशन जो है उसको माना गया सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड या प्रॉपर जस्टिफिकेशन एक स्टेट के लिए तो डैश इज और आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लेजि ऑफ ए नेशन क्या चीज हो सकती है वो तो ऑप्शन आपके सामने है द गवर्नमेंट द स्टेट द पीपल द पार्लियामेंट लास्ट ऑप्शन आपके सामने है द पार्लियामेंट तो यहां पर राइट right आंसर क्या होगा तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है ये सब कोर्स हम कहेंगे द पीपल द पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लेजिटमेसी ऑफ ए नेशन किसी भी राष्ट्र की लेजिटिमेसी को बनाने वाली चीज़ें होती हैं उनको लीगल बनाने वाली चीज़ें होती हैं उनके जो लोग होते हैं जो जनता होती है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यू रिपोर्ट ऑफ 2004 और वो किसके ऊपर थी जिसमें जो मोस्ट स्टेट्स हैव जनरली बीन सस्पिशियस ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड हैव ट्राइड टू रिड्यूस इट टू या फिर इसको एलिमिनेट करने की भी इन्होंने कोशिश की है तो वो रिपोर्ट किस पर थी कल्चरल एंड लैंग्वेज के ऊपर कल्चरल एंड डेमोक्रेसी के ऊपर या डेमोक्रेसी एंड रिलीजन के ऊपर या रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के ऊपर तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो क्या है वो रिपोर्ट थी 2004 की ऑन कल्चर एंड डेमोक्रेसी के ऊपर तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हु एम्ड एट परजुएडिंग किसी को परजुएड करना कन्विंस करने की कोशिश करना है एनकरेज करना या फोर्सिंग ऑल सिटीजन्स टू अडोप्ट यूनिफॉर्म सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स ये कौन यानी किसका एम हो सकता है एम हो सकता है गवर्नमेंट का फिलोसफर्स का या असीम्य पर लास्ट ऑप्शन पर क्यूशनिस्ट है तो यहां पर राइट आंसर क्या हो सकता है तो ये कहेंगे कि जो असीम्युलेशनिस्ट हैं उनका एम होता है पर्जुएट करना एनकरेज करना फोर्स करना जो भी सिटीजन हैं सारे के सारे सिटीजन की वो अडॉप्ट करें एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ कल्चर वैल्यूज एंड नॉर्म्स तो ये राइट आंसर पर ऑप्शन सी है आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड इलेवन सर्वे हाउ मेनी लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया अगर टू थाउजेंड इलेवन के सर्वे के टाइम पीरियड देखें तो कितनी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं डायलेक्ट्स बोली जाती हैं तो यहां पर ऑप्शन आपके सामने है ट्वेल्व थर्टी थ्री फोर्टीन हंड्रेड सिक्सटीन थर्टी नाइन सिक्सटीन थर्टी टू तो यहां पर जो राइट right आंसर है वो है ऑलमोस्ट uh, हम कहेंगे सिक्सटीन थर्टी टू लैंग्वेजेस जिसमें लैंग्वेज हो गई डायलेक्ट्स हो गए दोनों इंक्लूडेड हैं वो बोली जाती है तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट right आंसर है और इन्हीं पर बेस्ड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मनी लैंग्वेजेस इंडिया कितनी लैंग्वेजेस को ऑफिशियली रिकोगनाइज किया गया तो ऑप्शन आपके सामने है अबाउट एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा ये राइट आंसर है ऑप्शन ए अबाउट एटीन लैंग्वेज इंडिया और ये जो लैंग्वेज हैं दे हैव बीन प्लेस्ड अंडर एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और गारंटींग करते हैं देयर लीगल स्टेटस को भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अब इंडिया जो है तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड की जहां पर आपको ट्वेल्व थर्टीन पॉइंट फोर मुस्लिम यानी परसेंट मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेगी लेकिन उससे पहले दो कंट्री और आती हैं तो वो कंट्री कौन सी हो सकती हैं पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया पाकिस्तान एंड रशिया या पाकिस्तान एंड ईरान तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा यहां पर जो राइट आंसर है इंडिया अगर थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है तो उससे पहले जो कंट्री आती है वो है पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट स्पेसिफाइज दैट सिटीजन राइट टू इसे पता लगता है कि citizens के पास कौन सा अधिकार है टू रिक्वेस्ट एनी इंफॉर्मेशन यानी एज डिफाइंड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन है और इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स वर्क एंड रिकॉर्ड्स और टेक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स है या फिर ऑल द अबव तो अब ऑफ कोर्स हम कहेंगे जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अगर देखें तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बताई गई है वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं या कोई काम या कोई रिकॉर्ड या फिर जो है कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है जिसमें सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं द टर्म डैश रेफर्स टू अग्रेसिव शोविनिज्म बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी ये कौन सा टर्म है जो रिफ़र करेगा अग्रेसिव शॉबनिज्म शॉबनिज्म क्या होता है जब आप अपने लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और बाकी सभी को या अपने आप को कुछ ज़्यादा बेटर समझते हैं एज कम्पेयर टू अदर लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं रिलीजियस आइडेंटिटी के तो उसी पर देखिए जो ऑप्शन है कॉम्यूनलिज्म है रीजनलिज्म है सेकुलरिज्म है या लास्ट ऑप्शन आपके सामने है नेशन नोशन स्टेट जो है इनफैक्ट नेशन स्टेट तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि सारे के सारे ऑप्शन ही इसी तरफ इशारा करते हैं पर जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन A. Communalism. The term communalism refers to aggressive chauvinism based on religious identity. So option A यहाँ पर correct है आप चलते हैं next question के लिए power whose basis is the threat or application of punishment is called उसे क्या कहा जाएगा तो first option आपके सामने है uh, charismatic authority है या traditional authority है या फिर last option आपके सामने authority और force इनमें से right answer क्या होना चाहिए तो इसके लिए हम बोलेंगे पावर हुज बेसिस इज द थ्रेट जिसका मतलब क्या है धमकाना या एप्लीकेशन ऑफ पनिशमेंट या किसी को पनिशमेंट देने का ही मेथड अडॉप्ट करना इसे कहा जाएगा फोर्स ऑप्शन डी यहां पर राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखिए स्टेट्स ट्राई टू इस्टैब्लिश एंड एनहेंस पॉलिटिकल लेजिटिमेसी थ्रू स्टेट्स जो हैं वो ट्राई करती हैं इस्टेब्लिश करने की इन्हेंस करने की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी वो किसकी हेल्प से नेशन बिल्डिंग स्ट्रेटजी या कम्युनिस्ट स्ट्रेटजी से या इम्पीरियल स्ट्रेटजी से या फिर सिंगुलर नेशनल आइडेंटिटी से तो यहाँ पर राइट right आंसर क्या होना चाहिए तो जो भी स्टेट्स हैं वो स्टैब्बलिश करने की कोशिश करती हैं या बढ़ाने की कोशिश करती हैं पोलिटिकल एजिटमेसी थ्रू नेशन बिल्डिंग स्ट्रेटजी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए द डैश प्रोसेस इन्वॉल्व ए कॉन्टीन्यूअस डायलॉग ये वो प्रोसेस है जिसमें कॉन्टीन्यूस डायलॉग्स हैं नेगोशिएशंस और इवन स्ट्रगल्स हैं अगेंस्ट सिग्निफिकेंट अदर्स लाइक आवर पेरेंट्स फैमिली किन ग्रुप एंड आवर कम्युनिटी ये वो प्रोसेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो आवर कम्युनिटी प्रोवाइड्स अस द लैंग्वेज एंड द कल्चरल वैल्यूज थ्रू विच वी कम्प्रीहेंड द वर्ल्ड सो इट ऑल्सो एंकर्स आवर सेल्फ आइडेंटिटी तो यहाँ पर क्या टर्म आना चाहिए ये कौन सी प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है प्राइवेटाइजेशन है इंटलेक्चुअलिज्म है सोशलाइजेशन है या फिर लास्ट ऑप्शन आपके सामने है कॉन्स्टिट्यूशनल

या कितने साल में इनको सेटअप किया जाता है टू डिसाइड ऑन शेयरिंग ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स सो ईच फाइव इयर्स प्लान ऑल्सो इनवॉल्स डिटेल स्टेट प्लान प्रिपेयर बाय द स्टेट प्लानिंग कमीशन ऑफ ई स्टेट तो यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए फाइव टेन एट या फिर लास्ट ऑप्शन आपके सामने है नाइन तो हम कहेंगे जो राइट आंसर है वो यहां पर है यस yes, ऑफकोर्स

तो राइट आंसर यहां पर है जिस अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं दैट इज लीगल एज वेल एज रेशनल रेशनल क्या होता है थोड़ी सी लॉजिकल होनी चाहिए वो अथॉरिटी तभी तो कोई आपकी बात सुनेगा उनमांड्स को सुनेगा और वो इम्पर्सनल होनी चाहिए सो डाइवर्सिटी एम्फिसाइजिस टू डाइवर्सिटी है वो किस चीज पर एम्फिसाइज करती है डैश रादर देन इन इक्वालिटी तो ऑप्शन आपके सामने है यूनिटी डिफ्रेंसिस प्रेजिज हो गया या फिर क्लैशिज तो हम कहेंगे जो डाइवर्सिटी है वो एम्फेसाइज करती है यस ऑफ कोर्स ये डिफरेंसिसन इन इक्वेलिटी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ए नेशन इज ए पेक्यूलियर सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी दैट इज इजी टू डैश बट हार्ड टू डिफाइन यहां पर इस प्लैन को आपने फिल करना है कि नेशन जो है वो एक पेक्यूलियर होता है बड़ा स्ट्रेंज है एक वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी है जिसको इजी तो है क्या करना अंडरस्टैंड करना अप्रोच करना डिस्क्राइब करना या लास्ट ऑप्शन आपके सामने सी है बट हाउ टू डिफाइन तो यहां राइट right आंसर क्या होगा इजी टू डिस्क्राइब बट हार्ड टू डिफाइन तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वन अमंग द इज नॉट यानी इनमें से कौन सी एक ऐसी एरिया है जो प्रेजिडेंसी में काउंट नहीं होती मद्रास बॉम्बे कैलकाटा या फिर लास्ट ऑप्शन आपके सामने है डेली तो राइट right आंसर क्या है येस ऑफ कोर्स हम कहेंगे डेली यहां पर राइट right आंसर है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके साथ डिस्कस किए गए हैं आई होप सो कुछ ना कुछ आपको चैप्टर की क्लैरिटी हुई होगी फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है और इफ यू वॉन्ट मोर क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा मैं आपकी हर पॉसिबल हेल्प करूंगा और कुछ नई वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे